हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विद अतुल सिंह चैनल। आज हम देखते हैं टॉपिक क्रोनिग पेनी मॉडल। सो इसका थियरी क्या बोलता है? ये थियरी है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेराइज पीरियोडिकली विथ पीरियोडिसिटी ऑफ आयन को, दैट इज न्यूक्लियस, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो नियर द न्यूक्लियस एंड मैक्सिमम मै इट इज लाइंग बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियाई विच आर सेपरेटेड बाय इंटर एटोमिक स्पेसिंग ए। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस जीरो रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम रहेगा। अब देखते हैं आगे, लेट्स सी आगे। सो ये देखिए डायग्राम इसका, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका पोटेंशियल एंड ये रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो एंड ये चीज़ आपका रिप्रेजेंट करता है, ये पोटेंशियल वेल है, ये आपका पोटेंशियल वेल है एंड ये आपका पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर, ये आपका पोटेंशियल वेल एंड ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है आपका आयन कोर, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल वेल है इसमें आपका वी इज इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि देखिए वाई एक्सिस आपका ये इस पार्ट में आपका जीरो है, वी इज इक्वल टू जीरो। ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये आपका वी इज इक्वल टू वी नॉट होगा, लेट से वी नॉट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए आप, इधर दो रीजन है, पहले ये आपका रीजन वन रहेगा एंड ये आपका रीजन टू, मतलब ये पार्ट आपका रीजन वन एंड ये पार्ट आपका रीजन टू। सो आपको पता है कि स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है, वो होता है आपका ये। ठीक है, ये आपका स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होता है एंड इस इक्वेशन को हमको रीजन वन एंड रीजन टू में अप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अप्लाई करते हैं हम लोग। सो फॉर रीजन वन, रीजन वन में क्या था, वी इज इक्वल टू जीरो था। ठीक है, अब यहां पे जो v है उसके बदले मैं यहां पे जीरो ले लूंगा तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा एंड फॉर रीजन टू क्या था, v इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू v नॉट। ठीक है, तो उसका इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। अब आगे मैं क्या करता हूं, आगे आगे जो है ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट, ये पार्ट को मैं अल्फा स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, एंड ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको मैं इस माइनस के साथ, माइनस के साथ इस पार्ट को मैं बीटा स्क्वायर ले लेता हूं। ये देखिए माइनस के साथ इस पार्ट को मैं बीटा का स्क्वायर ले लेता हूं, तो फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग। सो अब इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा, हमने जो देखा था वो ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे माइनस आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने वो माइनस कॉमन लिया था। अब इन दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर फोर एंड इक्वेशन नंबर फाइव का जो सॉल्यूशन है वो ये होएगा। अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन आपका ये मिलता है, साई इज इक्वल टू ई रेज टू आई के एक्स डॉट इनटू यू के ऑफ एक्स। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियोडिसिटी। ठीक है, यू के ऑफ यू के, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियोडिसिटी। लेट्स से इक्वेशन नंबर सिक्स एंड ये इक्वेशन फोर, ये इक्वेशन फाइव। अब क्या करना है, आगे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन सिक्स को डिफरेंशिएट करना है दो बार With respect to x, ठीक है, तो अगर मैं दो बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं by u into v तो मुझे ये इक्वेशन मिलता है। ठीक है, सो लेट्स से इक्वेशन नंबर सेवन, ये अब इतना आपको समझा। अब आगे मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को जो आपका सेवन मिला, ये देखिए ये आपका डी स्क्वायर फाइव एक्स है, डी डबल डेरिवेटिव फाइव है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई है ये, तो यहां पे भी आपका देखिए ये जो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई है, इस इक्वेशन को मुझे इन दोनों में पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर फाइव में आपको इक्वेशन नंबर सेवन को पुट करना है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब आगे मैं देखा तो देखिए पुट इक्वेशन सेवन इन फोर एंड फाइव, वो मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद क्या करना है, पुट करने के बाद डिवाइड करना है सबको थ्रू आउट बाय ई रेज टू आई के एक्स। ठीक है, सो जब आप ये करते हैं पुटिंग करने के बाद डिवाइड करने के बाद तो आपका इक्वेशन ये दो मिलता है, ये एक इक्वेशन मिलेगा फिर आपका एक ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर एट एंड इक्वेशन नंबर नाइन। ठीक है, ये दो आपका इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बाय जनरल सोल्यूशन डेफिनेट इंटीग्रल में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से अगर जनरल सोल्यूशन अगर देखा जाए, इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, आगे देखते हैं। सो इन दोनों का
इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा. जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 विल बी दिस एंड दिस. ठीक है, अब आगे अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 9 एंड 10. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 9 एंड 10 वी गेट व्हाट वी गेट दिस इक्वेशन p अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ई प्लस कॉस अल्फा ई इज इक्वल्स टू कॉस के ए. ये आपका इक्वेशन नंबर 12. सो यहाँ पे जो p है आपका पावर ऑफ पोटेंशियल है एंड जो a है आपका हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था इंटर एटोमिक डिस्टेंस a है. ठीक है, एंड ये जो इक्वेशन है ये रिक्वायर्ड आपका क्रोनिक पैनिंग मॉडल का इक्वेशन है. ठीक है, अब आगे हम लोग दो केस देखते हैं जब p आपका इन्फिनिटी रहेगा और जब p आपका जीरो रहेगा. ये दो केस देखते हैं. सो केस वन देखते हैं. यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस जो इक्वेशन नंबर 12 है उसको डिवाइड थ्रू आउट बाय पी कर देंगे. जो आपका क्रोनिक पैनिंग मॉडल का इक्वेशन है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय पी. तो आपका ये मिलता है. ठीक है, ये मिलेगा, आप डिवाइड बाय पी करिए थ्रू आउट बाय. ठीक है, थ्रू आउट डिवाइड बाय पी करिए तो आपका ये मिलेगा. उसके बाद हम लोग पी टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे. तो आप अगर आप इस इक्वेशन में पी टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो क्या आएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन अल्फा इज इक्वल्स टू एन पाई. तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, एन पाई अपॉन ए, और इन दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये होएगा, दैट इज ये ए हो गया. ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये होएगा. उसके बाद हमको क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री आप इक्वेशन थ्री बैक करके देख लीजिए क्या था. हम लोगों ने जो लेट एग्जाम्पल लिया था अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका पार्ट हम लोगों ने लिया था. ठीक है, इक्वेशन थ्री से हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर के बदले ये लिया था. अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है. अब आगे अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों इन दोनों को इक्वेट किए तो हमारा ये मिलता है. ठीक है, एंड इस इक्वेशन से आपको एनर्जी मिल जाएगा. जो एनर्जी रहेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर. एच कट देखो, यहाँ पे जो एच कट है उसके बदले में एच अपॉन टू पाई लिख सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे जो एन है वो क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जो एम है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए आपका क्या है, इंटर एटोमिक डिस्टेंस. ठीक है, सो ये केस मुझे क्या बताता है, जब p टेंस टू इन्फिनिटी है ये केस मुझे ये बताता है कि जो सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू क्रोनिक पैनिंग मॉडल जो सब्सटेंस रहेगा वो इंसुलेटर रहेगा. ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं. लेट्स सी सेकंड केस. सो सेकंड केस आपका ये रहा. सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस आपका जब p टेंस टू जीरो है. ठीक है, सो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लगाएंगे इक्वेशन नंबर जो भी आपका 12 आया था क्रोनिक पैनिंग मॉडल का इक्वेशन, इसमें हम लोग डायरेक्ट p टेंस टू जीरो लगाएंगे तो आपका ये मिलता है. इक्वेशन नंबर 12 में लगाइए p जीरो तो आपका cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos के ए डायरेक्ट आपका मिलेगा. ठीक है, सो इसके हिसाब से आपका जो होगा अल्फा इज इक्वल्स टू के हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो स्क्वायर कीजिए इसको आप, तो स्क्वायर करने के बाद अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको मैं कोई भी इक्वेशन लेता हूँ. अब हमको क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन थ्री जो हम लोगों ने ऊपर लिया हुआ था पी टेंस टू इन्फिनिटी केस में जो लिया हुआ था, वही फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री हमने जो लेट लिया हुआ था अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये. क्या करना है फिर, इन दोनों को ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को इक्वेट करना है. अब इक्वेट करेंगे तो ये मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे जो के है आपका के को मैं क्या लिख सकता हूँ, सो यहाँ पे जो आपका k है, k को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय लैमड़ा है ना. सो इसका स्क्वायर कीजिए आप, k के बदले वैल्यू डालिए 2 पाई बाय लैमड़ा तो ये आपका मिलेगा. अब उसके आगे देखते हैं. सो उसके बाद क्या आएगा आपका, जो e आएगा एनर्जी वो क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी एम लैमड़ा स्क्वायर. ठीक है, तो ये लैमड़ा को मैं ऊपर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा. अब एच कट अपॉन लैमड़ा क्या होता है, पी होता है ना, क्योंकि लैमड़ा इज इक्वल टू एच बाय पी तो पी विल बी एच बाय लैमड़ा. तो ये एनर्जी ये आपका क्या है, पी स्क्वायर बाय 2 है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी हो गया. तो ये केस जो है आपका पी टेंस टू इन्फिनिट पी टेंस टू जीरो है ना, ये जो केस है आपका पी टेंस टू जीरो अकॉर्डिंग टू क्रोनिक पैनिंग मॉडल, जब पी टेंस टू जीरो रहेगा पावर ऑफ पोटेंशियल टेंस टू जीरो, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी है. मतलब ये क्या मुझे रिप्रेजेंट करेगा हमें, कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है वो क्या है, नेचर ऑफ मतलब ये बेसिकली कंडक्टर है. ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो सब्सटेंस है वो क्या रहेगा, कंडक्टर. ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्रोनिक पैनिंग मॉडल खत्म होता है. आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.